स्टूडेंट्स वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम प्रियंका जैन एंड यू आर वाचिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीडियो इन हिंदी। आज ट्यूसडे है, हिंदी वीडियोस का डेज है। ओके, सो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अगर आपको इंग्लिश में वीडियोस देखने हो, इफ यू वांट टू सी द इंग्लिश वीडियोस, यू कैन सी अवर वीडियोस ऑन सैटरडे। ऑन सैटरडे वी विल स्टार्ट द वीडियोस ऑन द इंग्लिश। ओके, so see here we are seeing the electronic spectra's practice questions. In our last lectures we have studied about the electronic spectra's like charge transfer spectra, dd transition and Auger diagram. I hope you all can understand these lectures. Now see the questions. First question is, for which one of the following ions the color is not due to dd transition? Okay, so is question mein humse kya pucha gaya hai, इनमें से कौन से आयन में डीटी ट्रांजिशंस के कारण कलर नहीं दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशंस जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रास या चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस। इन ट्रांजिशंस में क्या होता है आप सभी जानते होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन में क्या हो रहा था, लिगेंड से या तो मेटल में या फिर मेटल से लिगेंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर हो रहा था। और ये किस केस में देखने को मिल सकता है, जबकि मेटल हमारी या तो बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है और जो हमारे हाई लिगेंड्स हैं वो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर देखने को मिलेगा। और जब आपकी मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में या लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और लिगेंड के पास में अनऑक्यूपाइड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लो एनर्जी के अवेलेबल है, तब आपको मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी CuNH3O4+2, ये Cu+2 है। Cu+2 यानी कि D9 स्पीसीज, तो यहाँ पर आपको डीडी ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। TiH2O6+3 ये भी आपका D1 स्पीसीज है, यहाँ भी आपको एक बैंड देखने को मिलेगा डीडी ट्रांजिशन की वजह से। और CuF6-3 इस केस में आपको क्या दिया है, कोबाल्ट दिया है प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी ये D6 केस है। तो इन सभी केसेस में आपको डीडी ट्रांजिशंस के कारण बैंड देखने को मिलते हैं। अगर आपने डीडी ट्रांजिशंस का लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, अभी जो लास्ट बचा है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, CrO4-2। ओके, इसको देखिए आप ध्यान से, इस कॉम्प्लेक्स को देखिए। इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि जो मेटल है आपकी वो कैसी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, तो मेटल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और यहाँ पर लिगेंड आपका क्या है, O- लिगेंड प्रेजेंट है, ऑक्साइड लिगेंड है। ठीक है, तो ऑक्साइड लिगेंड के पास, ऑक्साइड लिगेंड आपका कैसा होता है, सिग्मा डोनर लिगेंड होता है। दिस इज अ सिग्मा डोनर लिगेंड, तो यहाँ पर इसके पास में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, जो कि क्या करी जा सकती है, इस मेटल को ट्रांसफर करी जा सकती है, यानी कि लिगेंड से कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर हो रहा है, मेटल पे। तो यहाँ पर आपको L2M चार्ज ट्रांसफर देखने को मिल रहा है, इसलिए हाईली इंटेंस कलर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको डीडी ट्रांजिशन नहीं देखने को मिल रहा है, क्या है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए CrO4-2। ओके, let's see the next question. All right, let's see the next question. What is the question? Which one of the following complexes shows minimum intensity of absorption in UV visible region? इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स यूवी विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन के कारण मिनिमम इंटेंसिटी का बैंड देगा? ठीक है, यानी कि सबसे कम इंटेंसिटी का बैंड हमें कहाँ पे मिलने वाला है? ठीक है, तो जहां पर एब्जॉर्प्शन वीक होगा, जहां पर भी ट्रांजिशन लोएस्ट एनर्जी का होगा, यानी कि फॉरबिडन टाइप का ट्रांजिशन होगा, वहां पर आपको ऐसा बैंड देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, CrH2O6+2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर क्रोमियम आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, +2 स्टेट में मतलब D4 स्पीसीज है। ठीक है, D4 स्पीसीज है। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, VH2O6+2, तो यहाँ पर आपको वेनेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया हुआ है, तो ये भी आपका वेनेडियम +2 स्टेट में D3 स्पीसीज है। ठीक है, और आपको इसके बाद क्या दिया है, MnH2O6+2, तो यहाँ पर आपको मैग्नीज दिया है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये आपके क्या है, D5 स्पीसीज है। और लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है,
CO H2O whole 6 plus 2। यहाँ पर कोबाल्ट आपका जो है वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी ये D7 स्पीसीज है। तो आप एक चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी केसेस में लिगेंड सेम है, मेटल्स डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है डी ऑर्बिटल में। सभी आपको क्या शो कर रहे हैं, डी डी ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजिशन कैसे हैं, लेपोर्टे फॉर्बिडन है, ठीक है। ये सभी ट्रांजिशन आपके कैसे हैं, लेपोर्टे फॉर्बिडन है, लेकिन फिर भी ये ट्रांजिशन होते हैं, आंशिक रूप से होते हैं, या हम क्या कह सकते हैं इसको, पार्टली अलाउड है, ठीक है। तो ये लेपोर्टे फॉर्बिडन ट्रांजिशन हैं, इसलिए वीक इंटेंसिटी के बैंड सभी देंगे। लेकिन इनमें से अगर आप देखते हैं इसको Mn+2, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ऑप्शन नंबर सी, इसमें देखिए D5 स्पीसीज है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है। जब भी आप ट्रांजिशन करने जा रहे हैं तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज होगा। मैंने आपको जब स्पिन फॉर्बिडन ट्रांजिशन के बारे में बताया था तो ये एग्जाम्पल बताया था, और ये भी बताया था कि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर्स में। तो ये ट्रांजिशन कुछ इस टाइप से होगा, देखिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था नीचे से ऊपर गया, तो इसका स्पिन यहाँ पर इस स्टेट में था, और ऊपर जाकर इसका स्पिन इस स्टेट में हो गया, यानी स्पिन में चेंज आया। तो ऐसा ट्रांजिशन डेल एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। जब भी ऐसा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा इसे हम क्या कहेंगे, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन कहेंगे। तो ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन आपको दिया है Mn H2O whole 6 plus 2, ये लेपोर्टे फॉर्बिडन भी है और स्पिन फॉर्बिडन भी है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही कम वीक इंटेंसिटी का बैंड देखने को मिलता है, बहुत कम इंटेंसिटी का बैंड देखने को मिलता है। एक्चुअली में स्पिन अलाउड भी, पार्टली स्पिन अलाउड होता है और पार्टली लेपोर्टे अलाउड हो पाता है ये ट्रांजिशन, इसलिए यहाँ पर जो इसका कलर है वो पेल येलो कलर देखने को मिलता है इस कॉम्प्लेक्स के केस में आपको, ओके। और ये बहुत ही कम इंटेंसिटी का बैंड देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉम्प्लेक्स विच एक्सिबिट्स लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड इच, हमसे पूछा गया है कि वो कॉम्प्लेक्स जिसमें लोएस्ट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए, आपने देखा ऑप्शन नंबर ए में भी आपको क्या दिया हुआ है, निकेल प्लस टू स्टेट में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, यहाँ भी आपको निकेल प्लस टू स्टेट में दिया है। ऑप्शन नंबर सी में भी निकेल प्लस टू स्टेट में दिया है, और ऑप्शन नंबर डी में आपको निकेल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया है, यानी मेटल तो सब जगह सेम है, बस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्लाइटली चेंज हो रही है। यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, ये क्या है, D8S2, ठीक है। ये आपका D8 स्पीसीज है, ये भी D8 स्पीसीज है, और ये भी D8 स्पीसीज है। तो सभी जगह ट्रांजिशन ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, वो क्या है, देखिए। ऑप्शन नंबर ए में जो लिगेंड है वो क्या है, Cl। ऑप्शन नंबर बी में जो लिगेंड है वो क्या है, H2O। ऑप्शन नंबर डी में जो लिगेंड है वो क्या है, साइनाइड, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में जो लिगेंड है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की और CN- की, ठीक है। इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है, फिर इसकी होती है और इसकी होती है। तो आपको एक चीज पता है कि जैसे जैसे लिगेंड्स की स्ट्रेंथ कम होती है, वैसे वैसे बैंड जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम इंटेंसिटी पर होता है ना, कम एनर्जी पर होता है। ये मैंने आपको बताया था, लिगेंड की स्ट्रेंथ घटने के साथ में जो फ्रीक्वेंसी है जिस पर हमें बैंड देखने को मिल रहा है वो भी कम होती जाती है, यानी कि सबसे कम किसके केस में होगी, Cl- के केस में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन, द कंपाउंड विच शोज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर इज, हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, वो कॉम्प्लेक्स बताना है जिसमें मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कब होगा, जबकि मेटल कैसी हो, मेटल आपकी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर पाएगी। और लिगेंड जो है वो हमारे कैसे होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, तभी ये ट्रांसफर हो सकता है। और ये जो ऑर्बिटल है आपका वो कैसा होना चाहिए, लो लाइंग होना चाहिए, यानी कि इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, तभी ओनली क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। तो लिगेंड यानी कि हमारा सीधी सीधी भाषा में क्या ऐसा होना चाहिए, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होना चाहिए। तो जहां कहीं भी हमें पाई एक्सेप्टर लिगेंड दिखेगा वहां पर प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपको CO लिगेंड दिया है, यहाँ पर निकेल आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और कार्बोनाइल जो है
NiCO4, ठीक है। यहाँ पर निकेल आपका जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड प्रेजेंट है जो कि कैसा है, पाई एसेप्टर लिगेंड है, गुड पाई एसेप्टर लिगेंड। इसलिए इस केस में आपको मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी केसेस यहाँ पर आप देखेंगे, ये इस केस में आप देख सकते हैं K2Cr2O7, इस केस में क्रोमियम आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और ऑक्साइड यहाँ पर लिगेंड की तरह प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर देखने को मिलेगा। सिमिलरली HGO के केस में भी आपको लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर देखने को मिलेगा, जबकि Ni H2O 6+2 इस केस में आपको DD ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसका राइट एग्जांपल, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, NiCO4। तो इस तरीके से जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको लगाने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं आगे आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में लगवाने वाली हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर्स भी ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।